स्पेस स्टेशन में फंसी सुनीता विलियम्स की बढ़ रही है लंबाई। नासा एस्ट्रोनॉट्स ने खुद बताई हैरान कर देने वाली बातें। इसी के साथ ही जानते हैं नासा ने ऐसा क्यों कहा कि क्रू 9 मिशन में जाने वाले 4 एस्ट्रोनॉट्स में से अब सिर्फ 2 ही जाएंगे। इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज की हमारी इस वीडियो में। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर पिछले 3 महीने से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर फंसे हुए हैं। दोनों बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान से स्पेस स्टेशन पर गए थे, जहां एक सप्ताह बिताकर दोनों को वापस धरती पर लौटना था, लेकिन स्टारलाइनर में खराबी के बाद उनकी वापसी को टाल दिया गया। अब स्पेस शिप अंतरिक्ष यात्रियों को लिए बिना ही वापस लौट रहा है। नासा ने बताया है कि विलियम्स और विलमोर को अगले साल फरवरी में वापस लाने की योजना है। इसका मतलब है कि 8 दिनों का मिशन अब 8 महीने का होने वाला है। इसी बीच सुनीता विलियम्स का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अंतरिक्ष में होने वाली मुश्किलों के बारे में बताया है। भारत की यात्रा के दौरान विलियम्स ने स्कूली छात्रों से बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे मनुष्य का शरीर अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी की वातावरण में अलग परिस्थितियों का सामना करता है। उन्होंने नाखूनों और बालों के भरने के बारे में बात की और ये भी बताया कि जब कोई इंसान अंतरिक्ष में होता है तो उसकी लंबाई भी बढ़ जाती है। उन्होंने बताया था कि आपके पैरों पर पपड़ी गायब हो जाती है क्योंकि आप नहीं चलते हैं। नाखून और बाल तेजी से भरने लगते हैं। गुरुत्वाकर्षण के बिना चेहरे पर झुर्रियां दूर हो सकती हैं। सुनीता विलियम्स ने ये भी कहा था कि आपकी रीढ़ भी फैलती है, जिससे आप अंतरिक्ष में थोड़ी लंबी हो जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया था कि धरती पर वापस लौटने के बाद ये बदलाव खत्म हो जाते हैं। आप गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं सकते हैं और अपनी सामान्य लंबाई में वापस आ जाते हैं। अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी की स्थिति के चलते कोई गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता है जो शरीर को तनाव दे सके। इसकी वजह से हड्डियों का घनत्व और मांसपेशियों का द्रव्यमान काफी कम हो जाता है। वहीं पृथ्वी पर मौजूद गुरुत्वाकर्षण के चलते हमारी हड्डियां जमीन की ओर खींची चली जाती हैं, लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा नहीं होता। इसके लिए अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद क्रू एक्सरसाइज करते हैं। इसमें ट्रेडमिल पर दौड़ना, स्क्वाट और डेडलिफ्ट करना शामिल है। सुनीता विलियम्स और बैरी विलमोर 5 जून को बोइंग के स्टारलाइनर परीक्षण यान से अंतरिक्ष में गए थे। लॉन्च के बाद स्टारलाइनर में हीलियम लीक और कई थ्रस्टर में खराबी के चलते दोनों को पृथ्वी पर वापस नहीं लाया जा सका। नासा ने बताया कि अंतरिक्ष यान 6 सितंबर को पृथ्वी पर वापस आ जाएगा, लेकिन इसके साथ विलियम्स और विलमोर नहीं होंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें, नासा और बोइंग के बीच कथित तौर पर इस बात पर मतभेद हो गया था कि अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को पृथ्वी पर वापस कैसे लाया जाए, क्योंकि उनके अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के मिशन में अप्रत्यक्ष देरी हो गई थी। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों संगठनों के बीच तनाव कई गहन बैठकों के दौरान बढ़ गया था, जहां नासा ने वापसी यात्रा के लिए बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान के उपयोग पर गहन चिंता व्यक्त की। रिपोर्ट के अनुसार नासा के एक अधिकारी के हवाले से कहा गया कि ये गर्म था, जिससे पता चलता है कि बोइंग इस बात पर अड़ा हुआ था कि स्टारलाइनर इस काम के लिए उपयुक्त था, भले ही इसमें खराब थ्रस्टर और हीलियम लीक जैसी समस्याएं आ रही थी। बोइंग ने कहा कि स्टारलाइनर अंतरिक्ष यात्रियों को घर वापस लाने के लिए पर्याप्त अच्छी स्थिति में मौजूद है और नासा इससे सहमत नहीं था, पूरी तरह असहमत था। यहाँ लोगों का मानना था कि बोइंग बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहा है। ये असहमति विलियम्स और विलमोर के जून में ISS पहुंचने के बाद सामने आई समस्याओं से एक श्रृंखला से उपजी थी। अंतरिक्ष यात्री 8 दिवसीय मिशन पर निकले थे, लेकिन स्टारलाइनर पर हीलियम रिसाव के कारण वो फंस गए। रिसाव की वजह से अंतरिक्ष यान के थ्रस्टर्स में खराबी आ रही थी, जिससे गंभीर सुरक्षा चिंताएं पैदा हो रही थी। अंत में नासा ने बोइंग के स्टारलाइनर का उपयोग करने का दबाव को खारिज कर दिया और अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेसएक्स मिशन पर वापस भेजने का विकल्प चुना, जिससे विलियम्स और विलमोर लगभग 8 महीने तक ISS पर ही फंसे रहेंगे। नासा के कार्यकारी ने स्वीकार किया कि बोइंग खुश नहीं था। उन्होंने आगे कहा, उन्होंने हमें ये पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया, लेकिन अगर कोई भयावह विफलता होती है तो हेडलाइन क्या होगी, ये कि बोइंग ने 2 अंतरिक्ष यात्रियों को मार डाला या ये कि नासा ने 2 अंतरिक्ष यात्रियों को मार डाला। इसलिए नहीं पछताने से बेहतर है कि उनकी वापसी में सुरक्षा बढ़ती जाए। बोइंग को उसके प्रतिद्वंदी स्पेसएक्स के पक्ष में किनारे करने का निर्णय एरोस्पेस दिग्गज के लिए एक बड़ा झटका है। बोइंग के वाणिज्यिक चालक दल कार्यक्रम के प्रमुख मार्क नेपी ने एक आंतरिक ईमेल में इस झटके को स्वीकार करते हुए कहा कि मुझे पता है कि ये निर्णय नहीं है,
जिसकी हमें उम्मीद थी, लेकिन हम नासा के निर्णय का समर्थन करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बोइंग की वाणिज्यिक अंतरिक्ष टीम के भीतर मनोबल गिरने के बावजूद चालक दल और अंतरिक्ष यान की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। वहीं बोइंग के कर्मचारी जो पिछले साल से ही जनसंपर्क से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे थे, इस नवीनतम घटना से स्तब्ध रह गए हैं। स्टारलाइनर की खराबी विशेष रूप से शर्मनाक है, क्योंकि बोइंग का मुकाबला स्पेसएक्स से है, जिसने अपने क्रू ड्रैगन कैप्सूल के साथ 9 क्रू मिशन सफलतापूर्वक पूरे किए हैं और अब उसे विलियम्स और विलमोर को बचाने का काम भी सौंप दिया गया है। असफलताओं के बावजूद नासा ने सार्वजनिक रूप से बोइंग के साथ अपनी साझेदारी को दोहराया है। सप्ताहांत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नासा के प्रवक्ता बॉब सॉक्स ने जोर देकर कहा कि हमारा बोइंग के साथ एक अनुबंध है, लेकिन ये हमारे देश के लिए इस क्षमता को विकसित करने के लिए मिलकर काम करना है। आपको बता दें, अब नासा ने आधिकारिक तौर पर अंतिम क्रू की घोषणा की है, जो सितंबर के अंत में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए स्पेसएक्स क्रू 9 मिशन पर रवाना होगा। ये अंतरिक्ष यान और क्रू अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को भी वापस लाएगा, जो जून से ISS पर मौजूद हैं। इस मिशन का नेतृत्व नासा के अनुभवी अंतरिक्ष यात्री निक हैक करेंगे। साथ ही रोसकॉस्मोस कॉस्मोनॉट अलेक्जेंडर गोर्बुनोव भी होंगे, जो अंतरिक्ष की अपनी पहली यात्रा करेंगे। नासा के अनुसार स्पेस क्रू 9 मिशन, जिसे अब मंगलवार 24 सितंबर 2024 से पहले लॉन्च नहीं किया जाना है, इस मायने से ये अनूठा है कि इसमें मूल रूप से नियोजित 4 के बजाय केवल 2 क्रू सदस्य ही जाएंगे। हैग मिशन कमांडर के रूप में काम करेंगे, जबकि गोर्बुनोव मिशन विशेषज्ञ की भूमिका निभाएंगे। ये बदलाव नासा द्वारा बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान को बिना चालक दल के पृथ्वी पर वापस लाने के निर्णय के बाद आया है, क्योंकि तकनीकी समस्याओं के कारण विलियम्स और विलमोर को सुरक्षित रूप से वापस नहीं लाया जा सका था। चालक दल के आकार में कटौती से विलियम्स और विलमोर की सुरक्षित वापसी संभव हो सकेगी, जो ISS पर अपना विस्तारित मिशन पूरा करने के बाद फरवरी 2025 में हैग और गोर्बुनोव के साथ पृथ्वी पर वापस आएंगे। अमेरिकी अंतरिक्ष बल के सक्रिय कर्नल निक हैग इस मिशन में अपने साथ बहुत सारा अनुभव लेकर आए हैं। यह हैग की तीसरी अंतरिक्ष उड़ान होगी और ISS के लिए उनका दूसरा मिशन होगा। अंतरिक्ष में 203 दिन बिताने के बाद हैग अंतरिक्ष यात्रा की चुनौतियों से अनजान नहीं है। उनके पिछले मिशनों में 2018 के सुयोज लॉन्च के दौरान एक नाटकीय इन फ्लाइट गर्भपात और अभियान 59 और 60 के दौरान ISS पर 6 महीने का सफल प्रवास शामिल है, जहां उन्होंने 3 स्पेस वॉक किए हैं। ISS पर सवार होने के बाद हैग और गोर्बुनोव एक्सपीडिशन 72 क्रू में शामिल हो जाएंगे, जिसमें सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर नासा के साथ ही अंतरिक्ष यात्री डॉन पेटिट और रोसकॉस्मोस कॉस्मोनॉट एलेक्सी ऑफचिनिन और इवान वेगनर शामिल हैं। वैसे क्रू 9 मिशन सितंबर में लॉन्च के लिए तैयार है, लेकिन ध्यान सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर की सुरक्षित वापसी और सफल वापसी पर है। निक हैग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव के नेतृत्व में नासा को पूरा भरोसा है कि ये मिशन सफल होगा और अंतरिक्ष में लगभग 8 महीने बिताने के बाद उनके अंतरिक्ष यात्री घर सुरक्षित वापस लौट आएंगे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।